कोरोना रोधी टीके की वजह से अस्पताल में भर्ती रोगियों की मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश के 42 से भी ज्यादा अस्पतालों में भर्ती 30,000 से अधिक मरीजों पर हुए अध्ययन में ये जानकारी दी है। भर्ती रोगियों की मृत्यु दर 39 से घटकर 14% तक दर्ज की गई है। टीका और अस्पताल में मृत्यु दर को लेकर ये अभी तक पहला चिकित्सा अध्ययन है। जानकारी के अनुसार अध्ययन में अस्पताल में भर्ती 29,509 मरीजों को अध्ययन के लिए चयनित किया गया। इन सभी वयस्क कोरोना संक्रमित रोगियों का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि 15,678 यानी कि 53.1% रोगियों में कम से कम एक सह रुग्णता थी। वहीं 25,715 रोगियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण थे, जिनमें सबसे आम यानी कि 72.3% रोगियों में बुखार, 48.9% रोगियों में सांस लेने में कठिनाई और 45.5% को सूखी खांसी के लक्षण थे। अध्ययन के दौरान इनमें से 3,957 मरीजों की मौत हुई थी, जिसमें 14.5% मृत्यु दर के रूप में दर्शाया गया है। टीके से पहले जोखिम 95%। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित होने वाले इस अध्ययन में ICMR के संक्रामक रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया है कि अध्ययन के दौरान भर्ती के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामान्य पैमाने के आधार पर जब मरीजों का विश्लेषण किया गया तो टीका देने से पहले उनकी जान का जोखिम करीब 95% था, लेकिन पहली और फिर दूसरी खुराक के बाद ये जोखिम 0.7% तक ही दर्ज किया गया। मृतकों के चिकित्सा दस्तावेजों में पता चला कि अधिकांश की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक थी और इन्हें मधुमेह, क्रॉनिक किडनी रोग, लिवर की बीमारी, तपेदिक और सांस की तकलीफ आदि की परेशानी थी। अध्ययन में शामिल 15,678 यानी कि 53.1% मरीज संक्रमित होने से पहले किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की शिकायत 32.4% और 26.2% मरीजों को थी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।